नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड कैरियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का क्या सिलेबस है और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में चार सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल साइंस और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने हैं 20 मार्क्स के, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आने हैं 25 मार्क्स, साइंस में 25 क्वेश्चन आने हैं 25 मार्क्स के और ऐसी रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने हैं 30 मार्क्स के। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आने हैं। तो एक करके हम सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जानेंगे किस अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। अगर आप लोग मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप लोग बहुत ही बेसिक से करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ही आपको मैथ्स आती नहीं है, तो आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, आप उसे पढ़ना शुरू कीजिए। आप उसके धीरे 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 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसे एक महीने के अंदर पढ़ लेते हैं तो आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसके बाद एक बुक आती है आरएस अग्रवाल, अगर आप लोग आरएस अग्रवाल को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का मैथ्स पर कमांड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल करने के बाद आपसे रेलवे में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। रेलवे में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आप केवल 20 ही क्वेश्चन कीजिए। अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। तो दोस्तों, आप आरएस अग्रवाल को लीजिए और आरएस अग्रवाल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरे नंबर पर आते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए आप आर के झा की बुक ले लीजिए। आर के जी की बुक जो है काफ़ी अच्छी है। अगर उससे आप पढ़ते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप किसी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा स्लोवर सिलेबस है। अगर आप लोग 3-4 टॉपिक डेली पढ़ते हैं तो एक महीने के अंदर ही आप लोग रीजनिंग को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 30 में से दोस्तों कम से कम आप लोग 25 से 28 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है साइंस की। साइंस में दोस्तों दो बुक है, या तो आप लोग स्पीडी लिखा लीजिए या फिर आप ले लीजिए जनरल साइंस की लूसेंट। आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी की भी पढ़ लीजिए क्योंकि फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पीडी या फिर जनरल साइंस की लूसेंट में से कोई एक बुक उठाइए। अगर आप स्पीडी की बुक उठाते हैं तो उसमें से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे कि किस अकॉर्डिंग के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग उसे पूरा पढ़ लेते हो आप लोग, तो आप लोगों का 25 में से कम 15 नंबर का स्कोर होना तो तय है कि 15 नंबर आप स्कोर कर ही लेंगे, जबकि उससे ज़्यादा का भी आप लोग स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग पूरी स्पीडी पढ़ लें तो आपकी साइंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर जिसकी साइंस कुछ ज़्यादा ही वीक है तो वो चाहे तो खान सर की जीएस सेंटर, जो खान सर है, उनसे आप लोग साइंस पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ही वीडियो अपलोड कर रखा है, उनके जो सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका साइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम आते हैं जीएस और करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो जनरल नॉलेज के लिए लोग बहुत ही भटकते हैं, उन्हें बहुत ही परेशानी होती है कि कैसे पढ़ें, हिस्ट्री कैसे पढ़ें, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप बस एक बुक, सभी के लिए बस एक बुक रामबाण है, वो है लूसेंट। अगर आप लूसेंट की जीके की बुक उठा लेते हैं और उसे एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो जीके का पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है। अगर आप लोग उसे पढ़ लेते हैं और साथ में करंट अफेयर्स, 9 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके लिए चाहे तो घटना चक्र की बुक उठा सकते हैं या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक को ले लीजिए। आप डेली 30 मिनट केवल करंट अफेयर्स को पढ़िए और जो लूसेंट की बुक है उसे पढ़िए। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो 20 में से आराम से आप लोग 15 मार्क्स का स्कोर कर लेंगे। और दोस्तों, अंतिम में जो आता है सबसे लास्ट स्ट्रेटजी और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है प्रैक्टिस सेट। आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस के द्वारा तो बड़े से बड़े एग्जाम को निकाला जा सकता है। ये तो छोटा सा ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इसको बड़े आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेना है तो ऑनलाइन आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक का आप ईयरली पास ले लेंगे, उसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, उसे डेली एक करके सॉल्व कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका एनालिसिस जरूर कीजिए कि कहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, मार्क्स पहुँच जाइए। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, आपके मार्क्स कैसे कम हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। जैसे
जो है किरण पब्लिकेशन का या फिर एग्जाम कार्ड का, बहुत सारे पब्लिकेशन है। एग्जाम कार्ड जो है वो भी काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसे ले सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं और 2 महीने सटीकता सब कुछ भूल करके प्रैक्टिस और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% तय है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से जी जान लगा पढ़ाई कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। दोस्तों आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।